अर्जुन लड़ने के लिए आया है। यू शेर सोता तुम जा क्या देव, मेरी भी सुन ले मेरे कदे सोते 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 तेरे प्राण निकलता बतने जगावन आ गया, बतने जगावन आ गया। जान बचा के भग जाए अर्जुन रे, जान बचा के भग जाए अर्जुन रे, शेर सोता जाता। कदे सोते सोते कदे सोते सोते कदे सोते सोते प्राण निकलता बतने दादा। रण क्षेत्र में छतरी लड़ते हैं, भगते नहीं है। और महमूदपुर से हमारे परम आदरणीय कंवर पाल फौजी जी इस रागनी पे खुश होकर के वही 101 को से मान सम्मान करें, उनके लिए बार बार हाथ धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली जोरदार ताली। बेटे अर्जुन अब भी चला जा, मान दे मेरी बात को, मेरे टक्कर को नहीं ले पाएगा क्योंकि मैंने बड़े बड़े रण लड़े हैं। बड़े दादा आपने सिखाया है छतरी रण में लड़ते हैं भगते नहीं है। अच्छा हाँ, मैं लड़ने के लिए आया हूँ, भगने के लिए नहीं आया। मैंने तुझे और भी कुछ सिखाया है कि अपनों से बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। मान सम्मान कर रहा हूँ, पर जब बड़े मान सम्मान न करे तो बेस ज्यादा हो रहा तेरे मान। अच्छा चलो फिर सभी बेस पसंद आ रहा है, नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा। अगर रागनी में आपको लग रहा हो कलाकार थोड़ी सी भी जान है ताकत लगा रहे, एक बार हमारे जोरदार ताली मार दो, जोरदार आइए अगली कली में चल के Bye.
आज जो ये युद्ध हो रहा है, भाइयों भाइयों के बीच में तकरार हो रही है। अर्जुन, अगर मैं प्रतिज्ञा ना करता कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करने का, तो ये आज आपका नहीं, पता नहीं क्या समय होता। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आप लोग आपस में लड़ रहे हो। दादा, आपको एक बात बता दूं, आप ही हो इस राज का कारण। हमने 13 साल बड़ों में धक्के खाए। अगर उस दिन पंचायत में, बड़ी पंचायत के अंदर हमारी नार द्रौपदी को बुलवाया गया, सबके पास पहुंची, आप वहां पर सबसे बड़े थे। अगर आप बोल जाते तो दुर्योधन एक भी लवज नहीं निकालता। जुआ खेलने के लिए मैंने कहा था आपसे जुआ खेलो, लेकिन दादा मर्यादा क्या कहती थी उस समय? मैं मजबूर था, मेरे लाल मेरे बेटे में मजबूर था। दादा उस दिन आप मजबूर थे, आज मैं मजबूर हूँ। मैंने भी विराट मोहन का नमक खाया है। आप या तो गौओं को छोड़कर चले जाइए या मुझसे युद्ध करिए, वरना गौ तो छूटेंगे नहीं। लेकिन तुझे युद्ध ही करना, तो युद्ध कर। युद्ध करना है, रथ के घोड़े को मोड़ लो उल्टे। सुन ले मेरी बात। हाँ। परमादरणीय सुखपाल लखवाया जी, जिला मेरठ से 200 रुपए सम्मान सम्मान करें। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे भाई विजय प्रधान जी मेहमतपुर से 500 रुपए सम्मान सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली मार दो उनके लिए, जोरदार ताली। आइए ऐसे हमारे बीच में, जिनके आप लोग बड़े डीजे के सॉन्ग सुनते हो, रागड़ियां सुनते हो, भजन सुनते हो, बड़े बेहतरीन कलाकार भाई ज्ञानेंद्र सरदन हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली मार दो। उसके साथ में सचिन मेंबर साहब जी, सचिन मेंबर साहब वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आइए अगले कली के माध्यम से दोनों में क्या लिखा कवि ने दादा गुरु, क्या बताया। और श्रीमान राहुल कसाना जी, यूपी पुलिस से 100 रुपए दे रहे, पर पुलिस वाले थोड़े हैं जी, ये तो एक झटकी में हजारों से उतारे हैं, एक डंडे में कई हजार ले रहे हैं जी। 100 रुपए दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर से हमारे विशाल जी, हमारे आदरणीय विशाल जी श्याम प्रेमी हैं और हमारे भी प्रेमी हैं। 1100 रुपए पहले, 1100 रुपए और देकर के हमारी पार्टी का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम उनका विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाकी हमारा क्या बता रहा, पापा बेरा पड़ेगा, तुझे यम के घाट उतारो
पापा तेरी हसरत सभी लिखा तेरी हसरत सभी लिखा लाश वो करे आज यार